तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। NPCIL में दोस्तों अप्रेंटिस निकला था 107 पदों में, ट्रेड अप्रेंटिस। फाइनली उसका अप्लाई लिंक स्टार्ट हो चुका है, तो मैं उसका वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। पूरा लास्ट तक देखिए कि आपको अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट की, कोई गलती मत कीजिएगा। गलती कर ले तो और आप कमेंट करते हो सर नाम गलती होगा, ये गलती होगा, वो गलती होगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट की कोई गलती ना करे। और दोस्तों कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछ ले, फिर भी गलती मत कीजिए दोस्तों। और आपके लिए एक बेनिफिट है दोस्तों, आप यदि हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हो तो हमें मैसेज कर सकते हो दोस्तों। मैसेज कीजिए, मैं आपका हेल्प जरूर करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दो कॉलम है जो कि आपको नहीं भरना है, वो पहले से भरा हुआ है। बात करेंगे थर्ड जो पोस्ट अप्लाई, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, सिंपल से क्लिक करोगे तो ट्रेड अप्रेंटिस तो सिलेक्ट कर लीजिएगा ट्रेड अप्रेंटिस, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएगा आपका डिसिप्लिन, आप कौन से ट्रेड से फिल कर रहे हो। यहाँ बहुत सारे ट्रेड है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिस्ट और टर्नर। तो सिंपल सा हम यहाँ फिटर सेलेक्ट कर लेते हैं। आप जो भी आपका कैटेगरी है ट्रेड है वो आप सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे एक चीज़ मांगा गया है, अप्रेंटिस इनरोलमेंट नंबर, यानी अप्रेंटिस में आपने अप्रेंटिस में रजिस्ट्रेशन किया उसमें आपको 16 डिजिट का एक अंक मिला होगा, उसको आपको यहाँ पे क्लिक फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि अप्रेंटिस आप कहाँ से किए हो, तो नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिए, क्योंकि अप्रेंटिस आप एक ही बार कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी चुनना है, तो सिंपल से यहाँ पे आप कैटेगरी चुन लोगे, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यू आर, OBC, SC, ST। चलिए यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपको PWD तो नहीं हो, तो नो या यस, यदि आपको हो तो यस कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन आपको मांगेगा, तो आप कौन हो, मिस्टर, मिसेस, मिस, मिसेस या डॉक्टर। तो सिंपल से यहाँ पे मिस्टर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आगे की बात करें तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम। देखिए फर्स्ट नेम है फिल कीजिएगा, मिडिल नेम है तो ही फिल कीजिएगा, नहीं तो लास्ट नेम सीधे लास्ट नेम के जगह फिल कीजिएगा। ये नहीं कि आपका लास्ट में कुमार है तो आप मिडिल नेम की जगह फिल करोगे, ये बहुत बहुत से स्टूडेंट गलत करते हैं, तो इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल से यहाँ पर टैप करोगे तो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ में गैस गलती मत कीजिए। उसके बाद आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ से लिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपको बहुत सारा आ जाएगा, तो इंडियन यहाँ पर स्लिप सिंपल सा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बात करें आगे, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर यदि आपका NPCIL में कोई वर्क करता तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो सिंपल सा नहीं है तो नहीं कर लीजिएगा। यस है तो पूरा उसका डिटेल आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक यूज़र नेम, यूनिक से यूज़र नेम 20 से 20 कैरेक्टर के अंदर आपको सेलेक्ट करना है जो कि यूनिक हो। एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, कन्फर्म पासवर्ड करना है, ईमेल एड्रेस, जी हाँ दोस्तों, जो एक्टिव ईमेल एड्रेस है उसी को यहाँ फिल करना है, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर एक जो कैप्चा है उसको फिल कर देना है। इतना आपको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम फिल करना है। इसमें कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको सहायता करूँगा, क्योंकि मैं हर एक स्टूडेंट का गाइस प्रॉब्लम समझता हूँ, इसलिए मैं सबको कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए इसको मैं फिल करके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप इसको फिल कर लोगे ना, आपका ईमेल और मोबाइल नंबर में एक रजिस्ट्रेशन नंबर जगह उसको ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको काम देगा। बहुत सारे स्टूडेंट एक दूसरे फॉर्म में कमेंट करते सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ही भुला गया, प्लीज़ उसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि आपके आने वाले टाइम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए इसको फिल करके मैं आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, आपका ईमेल में और मोबाइल नंबर में एक लिंक सेंड कर दिया जाएगा, जिस लिंक के द्वारा आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा कि ट्रेड अप्रेंटिस किस में कितना पोस्ट है। फिटर में देखिए 30 पोस्ट है, टर्नर में 4 है, मैकेनिस्ट में 4 है, इलेक्ट्रिशियन में 30 है, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 30 है, वेल्डर में 4 है, और कंप्यूटर यानी कोपा में 5, टोटल 107 पोस्ट है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज, तो देखिए SC का 18 है, ST का 13 है, OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के 21 है, EWS के लिए 10 है, UR के लिए 5 है, ठीक है।
तो इतना कुछ है, चलिए अब मैं सीधे चलते हैं लिंक पे और आपको पूरा डिटेल बताते हैं कि आगे का प्रोसेस आपको किस तरह फॉर्म को फिल करना है। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा आ चुका है लॉगिन करके। और दोस्तों हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें कि आप बैक नहीं जा सकते हो। यदि आप जिस जैसे बार बार बैक करोगे तो आपका आपको फिर से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे पांच स्टेप है, पांच स्टेप में आपको फॉर्म का फिल करना है। एडुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस है तो डाल सकते हो यानी आप इसको स्किप कर सकते हो। पर्सनल डिटेल, अपलोड फोटो सिग्नेचर, सबमिट एप्लीकेशन, तो इस पांच प्रोसेस को आपको गुजरना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या डालते हैं, तो एडुकेशन क्वालिफिकेशन पे आपको क्लिक करना होगा और पूरा फॉर्म को फिल करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने को मिल जाएगा कि SSC और ITI, सिंपल से यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। तो SSC सेलेक्ट करना और यहाँ पर आपको ITI सेलेक्ट करना। यहाँ पे डिसिप्लिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पे आपको कॉलेज नाम भरना होगा, यहाँ बोर्ड नेम, मोड ऑफ स्टडी, आप रेगुलर या किस तरह की हो, फुल टाइम पार्ट टाइम, तो यहाँ पे फुल टाइम कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको डालना होगा कि कब से स्टार्ट किए तो और कब आप पासिंग हो चुके हो, दोनों डेट एग्रीगेट परसेंटेज आपको फिल करना है। उसी तरह ITI में आपको डिसिप्लिन सेलेक्ट करना होगा, तो फिटर आप भरे तो फिटर, इलेक्ट्रिशियन भरे होगे तो इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर भरे होगे तो वेल्डर। यहाँ पे आपको कॉलेज नाम फिल करना है, बोर्ड नेम फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे फिट्स आपको मिल जाएगा, फुल टाइम किए हो पार्ट टाइम तो फुल टाइम ही सेलेक्ट कीजिएगा। कब से स्टार्ट किए हो, कब से आपका सेशन ख़त्म हुआ, उसके बाद एग्रीगेट परसेंटेज आप फिल कर दोगे। आगे बात करेगा जो कि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप देख लीजिएगा फाइनल मार्कशीट गाइज, आप कब आउट किया गया था वो आपको यहाँ पे डेट फिल करना। आपको यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया तो यहाँ पे हाइट और वेट अपना डाल दीजिएगा। अदर क्वालिफिकेशन कोई है तो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, उसके बाद आप आगे का प्रोसीड कर दीजिएगा तो आप नेक्स्ट स्टेप में पहुँच जाइएगा। तो चलिए मैं इसको फिल करके आपको आगे का प्रोसेस बताऊँ। कोई भी डाउट हो तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ज़रूर कमेंट कीजिए, पहले पूछ लीजिए उसके बाद ही अपना फॉर्म को फिल कीजिएगा। क्वालिफिकेशन फिल कर लेने के बाद आपके पास आएगा नेक्स्ट कॉलम होगा जो आपके एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल आप इसको आगे सेव एंड नेक्स्ट दबा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल आ जाएगा जिसमें आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, मेरिटल स्टेटस, रिलीजन, मदर टंग, स्टेट फिल करना है। और बात करते हैं यहाँ पे हर एक स्टेट के लिए फॉर्म में, देखिए जैसे स्टेट है ना, यहाँ क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएगा। आगे बात करें तो वहाँ उसका मदर टंग लीजिएगा, और यदि आप ये एम्प्लॉय एक्सचेंज किए हो, रजिस्ट्रेशन किए हो तो यहाँ पे यस किए हो तो उसका नंबर डालना, नहीं किए हो तो यहाँ पे नो सिंपल सा क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, देखिए पहले तो आपको यहाँ चेक कर लेना है, यदि दोनों सेम एड्रेस है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा तो दोनों फिल हो जाएगा। क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड के साथ फिल कीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैक्सिमम 50 करेक्टर फिल कर सकते हो। उसके बाद नीचे में भी है नेम ऑफ विलेज, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, और यदि कोई क्लोज रिलेटिव आपका NPCIL में काम करता है तो यहाँ पे उसका विवरण दे सकते हो, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। चलिए ये फिल करके आपको बता देता हूँ। इससे पहले दोस्तों इसको यदि आप मोबाइल से भरना चाहते हो तो फुफेन करके गूगल आता है, उसको आपको डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आप जाके इजी से मोबाइल से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों सिंपल क्रोम में या ब्राउज़र में ये फॉर्म फिल नहीं हो रहा, तो मैंने बहुत ट्राई किया इसीलिए गाइस वीडियो थोड़ा लेट बन रहा है। जैसे आप फिल कर लोगे पर्सनल डिटेल, उसके बाद आपको अपलोड फोटो करना है और सिग्नेचर, देखिए यहाँ 50 KB और 10 KB के बीच होना चाहिए आपका साइज फ़ोटो का, और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा 20 KB तक। फ़ोटो अपलोड इजी से कीजिएगा दोस्तों, मतलब जैसे आपको पहचान में आ सके तो फोटो अपलोड चले कर लेते हो। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेप के लिए। उसके बाद आपको सीधा हम इसका फॉर्म दिखाते हैं किस तरह मेरा फॉर्म फिल हुआ। फिर भी बार बार मैं कर रहा हूँ दोस्तों, कोई डाउट हो तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए, उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा। और ये मैं आपको मोबाइल से भर के दिखा रहा हूँ, कोई लैपटॉप या PC नहीं है। तो आप यदि मोबाइल से भरना चाहते हो तो फुफेन करके गूगल आता है क्रोम, उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों देखिए ये रहा मेरा फॉर्म जो कि मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया प्रोसेस। और नीचे जैसे आप आओगे यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट एप्लीकेशन का एक बटन मिलेगा, जिसमें सिंपल से आपको एक बार चेक करके आप क्लिक कर दीजिए। चलिए मैं फाइनल सबमिट कर देता हूँ आपके सामने ही। फाइनल देखिए मेरा सबमिट हो गया, देखिए मेरा फाइनल सबमिट हो गया। देखिए यहाँ आप चेकबॉक्स देखिएगा तो चारों में यहाँ पे
क्लिक लग चुका है और आपको मोबाइल में मैसेज भी आ जाएगा कि आपका फाइनली सबमिट हो गया। उसके बाद आप चाहो तो गाइज इसका लॉगिन करके इसका पीडीएफ को रख सकते हो, या लॉगिन करके आप फॉर्मेट को भी डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको फ्यूचर में काम दे देखे। और एक बात, यहाँ पे आपका ये एप्लीकेशन नंबर है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया कि NPCL का आपको अप्लाई किस तरह करना है। मिलते हैं एक न्यू जॉब अपडेट प्लस एक न्यू रिक्रूटमेंट के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।